आप मेरे पीछे देख सकते हो छोटा सा नायग्रा फॉल मेरे स्टेट का। और दोस्तों मैं वहाँ पर भी गया था, लेकिन वहाँ पर वीडियो और फोटो सेल्फीज के लिए रश ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ आ गया, क्योंकि दूसरे को भी हमें टाइम देना पड़ता है वहाँ पर। ओके गाइज, और दूसरी एक बात कि यहाँ पर जो झरना है, जैसे जैसे झरना आगे बढ़ता जा रहा है उसी के साथ साथ ये ट्रेल बनाया हुआ है चलने के लिए दोनों तरफ। तो आपका पूरा जो भी झरना है उसकी उसका जो सुंदरता है वो आपको नज़दीक से देखने को मिलेगी। आप अगर वीडियोस लेना चाहते हो, फोटोज़ लेना चाहते हो, या फिर सिर्फ इंजॉय करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरफ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, और जो इस तरफ है नीचे ये पूरा झरना है, और पीछे इस तरफ फॉल्स है। ओके दोस्तों, अभी ये जो है वो कच्चा रास्ता है, और छोटा सा झरना यहाँ पर भी जा रहा है मेरे साथ साथ। तो झरने के साथ साथ मैं भी चल रहा हूँ, पूरा कच्चा रास्ता है। रास्ता भी पतला है तो आने जाने में तकलीफ, क्योंकि कुछ लोग जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। दोस्तों झरने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, जो पानी बह रहा है। पूरा साल यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मियों में, पूरा साल। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आया हूँ वेजिटेबल फार्म मार्केट में, और पीछे फार्म है और आगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारी जो चीज़ें मिलते हैं। पीछे हाईवे है, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे तो हम ले लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
ओके दोस्तों, मैं प्लम्स ले रहा हूँ। इसका जो एक बॉक्स है उसका रेट है $6। थोड़े से कॉर्न भी ले लेते हैं तो घर जाके वो भी हम उबाल के खाएंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आगे यूएसए के बारे में आप क्या क्या और ज़्यादा देखना चाहते हो, जानना चाहते हो। और बस दोस्तों, खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। जय हिंद, जय भारत।